नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। इसमें हम देखने वाले हैं क्यूरिंग का पर्पस क्या है, उसका मेथड्स क्या है और फंक्शनिंग कैसे है। सबसे पहले देखेंगे क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट में कंक्रीट क्या है। तो दोस्तों, आप सबको मानूंगा कंक्रीट एक एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो कि सीमेंट, रेती और गिट्टी का पानी के साथ मिक्स किया हुआ एक कंपोजिशन है जो समय के हिसाब से हार्डन होता रहता है। अभी क्यूरिंग क्या है? क्यूरिंग मतलब मेनली क्या है, कंक्रीट को एक प्रॉपर मॉइस्चर टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए और एक समय देने के लिए कि वो टाइम तक उतना पानी या फिर क्यूरिंग करके एक सर्टन टाइम तक कंक्रीट को उसकी प्रॉपर्टीज या फिर उसको डिजाइन जो भी स्ट्रेंथ है वो आने के लिए करने वाली एक प्रक्रिया है, उसको हम लोग क्यूरिंग बोल सकते हैं। अभी हम देखेंगे पर्पज ऑफ क्यूरिंग। अभी पर्पज ऑफ क्यूरिंग में क्या है, क्यूरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कंक्रीट के लिए, क्योंकि कंक्रीट को जो स्ट्रेंथ पानी रहती है वो क्यूरिंग की वजह से ही स्ट्रेंथ आती है। मेनली कैसा है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी क्यूरिंग के ऊपर ही डिपेंड रहती है। मेनली क्यूरिंग का पर्पज ये है कि उसको एक इनफ मॉइस्चर देना है कंक्रीट को, क्योंकि वो मॉइस्चर क्यों क्रिएट होता है, वो कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन, सीमेंट का हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही हाई रहता है, तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो सीमेंट का हीट हाइड्रेशन की वजह से जो मॉइस्चर लॉस होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर उसको रिकवर के लिए क्यूरिंग बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए हम लोग क्यूरिंग डेली करते हैं। और ये क्यूरिंग की वजह से ही कंक्रीट स्ट्रेंथ पर असर होता है, तो अच्छा स्ट्रेंथ पाने के लिए क्यूरिंग बहुत ही ज़रूरी है। इवन अगर हमने क्यूरिंग वगैरह किया नहीं तो फिर वो कंक्रीट सरफेस में क्रैक्स आने के चांसेस है, तो ये सब अवॉइड करने के लिए हमको कंक्रीट का क्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये डायरेक्टली कंक्रीट के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है या फिर उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है, तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा आने के लिए हमको प्रॉपर क्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी क्यूरिंग कब करते हैं, जब भी हम लोग कंक्रीट करने के बाद या फिर कंक्रीट प्लेस करने के बाद जब वो हार्डन हो जाता है, हार्ड हो जाता है या फिर उसके बाद ही हम लोग क्यूरिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से हमको वो डिजायर्ड मॉइस्चर और टेम्परेचर मेंटेन करना वो मिलता है। अभी मेथड ऑफ क्यूरिंग देखेंगे हम। अभी कैसे बहुत सारे मेथड्स है क्यूरिंग करने के लिए, तो अभी पर्टिकुलर कौन से मेथड अपनाना है वो उधर के नेचर के ऊपर या फिर साइट कंडीशन के ऊपर, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अभी कौन कौन सी मेथड है हम देखेंगे। पहला है कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद हेसियन क्लॉथ और गनी बैग्स। दूसरा है शेडिंग ऑफ वर्क। तीसरा है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। चौथा है पॉन्डिंग मेथड। पांचवा है मेम्ब्रेन क्यूरिंग और छठा है स्टीम क्यूरिंग। अभी हम ये सब एक एक देखेंगे। पहला है कवरिंग कंक्रीट सरफेस विद हेसियन और गनी बैग्स। अभी आप इधर इमेज में देख सकते हैं, ये पूरा कंक्रीट का सरफेस है, स्लैब है, उसके ऊपर पूरा हेसियन क्लॉथ या फिर गुनिया ऐसे डाल के रखा गया है और उसके ऊपर पानी मार के उसको हमेशा गीला रखना है। ये बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है क्यूरिंग करने के लिए। मेनली स्लैब, कॉलम्स, बीम्स, जो भी स्ट्रक्चरल मेंबर्स है उसको पूरा हेसियन क्लॉथ ऐसे लपेट लेते हैं और लपेट लेने के बाद पूरा उसको पानी मार के उसको भिगा के रखते हैं, ज़्यादा देर वो गीला रह सके। मेनली वर्टिकल या स्लोपिंग सरफेस जो भी है उधर भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्लोपिंग और वर्टिकल सरफेस में हम वाटर स्प्रिंकल करके भी पानी उधर ज़्यादा रुक नहीं सकता, इसलिए हेसियन क्लॉथ उधर लगाने से वो प्रॉपर क्यूरिंग होता है। और ये कैसा है, एक बार पानी मारने के बाद थोड़ा देर में सूख जाता है तो फिर से उसको पानी मार के गीला करना पड़ता है, तो ये ध्यान में रखना है कि वो हेसियन क्लॉथ सूखना नहीं चाहिए, बार बार पानी मार के उसको हमेशा गीला ही रखना चाहिए।
तो ये बहुत ही कॉमनली यूज मेथड है। मेनली ये रात में भी या फिर छुट्टी के दिन भी इसका यूज हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रात में तो साइट पे कोई रहता नहीं तो क्यूरिंग कौन करेगा, या फिर छुट्टी के दिन भी बहुत लोग या वर्कर सब छुट्टी पर रहता है, तो इसलिए छुट्टी के दिन हम एक आध लेबर को रख सकते हैं और रात में भी एंड ऑफ द डे मतलब साइट का काम खत्म होने से पहले वो पूरा गोनी एक बार भिगा देते हैं ताकि वो गीला रह सके, और छुट्टी के दिन भी एक आदमी रख सके, उसको बार बार हम वो सेम क्लॉथ को गीला करके क्यूरिंग अच्छा से कर सके। इसके बाद आता है शेडिंग ऑफ कंक्रीट। शेडिंग ऑफ कंक्रीट इधर आप देख सकते हैं इमेज में कैसे कर रहे हैं। मेनली शेडिंग ऑफ कंक्रीट कैसा है, ये जो है इसको इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सरफेस, मतलब ये जो इवेपोरेशन होता है बाष्पीकरण, तो उसको रोकने के लिए हम लोग शेडिंग ऑफ कंक्रीट करते हैं। और ये मेनली किधर करते हैं, जहाँ मेजर कंक्रीट है, लार्ज कंक्रीट है या बल्क कंक्रीट रहता है, उधर मेनली ड्राई वेदर में उसको कंक्रीट को पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये करते हैं। डायरेक्ट सन रेज या विंड से जहाँ कॉन्टेक्ट आता है तो वहाँ हम लोग ये मेथड यूज करते हैं। मेनली रोड कंक्रीट हो गया, बड़ा हाई मतलब मास कंक्रीट जिधर हो गया उधर साइड में ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ये शेडिंग ऑफ कंक्रीट। मेनली शेडिंग ऑफ कोल्ड वेदर में कैसा है, शेडिंग की वजह से वो हम सीमेंट का हीट जनरेशन प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इसके साथ ही हम लोग कंक्रीट का फ्रीजिंग भी अवॉइड कर सकते हैं, और ये जिस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। और शेडिंग कैसे करते हैं हम लोग, कैनवास स्ट्रेच ऑन फ्रेम्स के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन एक लिमिटेशन रहता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। अभी है स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ये भी एक कॉमन मेथड है। इसमें कैसा रहता है, कोई एक लेबर या वर्कर को स्लैब के ऊपर या फिर जहाँ कंक्रीट हुआ है वहाँ पूरा एकदम पाइपलाइन लगा के पाइप से कंटिन्यूस पानी मारते रहना है, तो उस हिसाब से ये क्योरिंग करते हैं। मेनली स्लैब के लिए, कॉलम के लिए, बीम के लिए, जहाँ जहाँ नया स्ट्रक्चर का कंक्रीट हुआ है वहाँ पूरा एकदम इसको कंटिन्यूस पानी मारते रहना है, स्प्रिंकल करते रहना है। मेनली एक वर्कर का हमेशा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मेनली वर्टिकल या स्लोपिंग जो सरफेस रहते हैं वहाँ तो कंटिन्यूस अपने को सरफेस गीला रखना है, तो इसके लिए स्प्रिंकलिंग वाटर वो सर में ये मेथड ज़्यादा यूज होता है। और मेनली कैसा है, ये इस मेथड की वजह से पानी का यूज ज़्यादा लगता है, मतलब कंटिन्यूस पानी लगता है ना अपने को कंटिन्यूस पानी स्प्रिंकल करने के लिए, तो इसलिए पानी बहुत ही ज़्यादा लगता है ये मेथड में। अभी है पॉन्डिंग मेथड। पॉन्डिंग मेथड जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये कंक्रीट का है पॉन्डिंग मेथड है, बहुत ही यूजफुल और बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें कैसा है कंटिन्यूस वर्कर आपको उधर साइड पे रखने की ज़रूरत नहीं है और कंटिन्यूस स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है, वो हेसियन क्लोथ डालने से भी वो सूखने के बाद फिर से अपना गीला करने के लिए पानी मारना पड़ता है, तो ये पॉन्डिंग मेथड कैसा है स्लैब्स फ्लोर्स रूफ्स या फील्ड पेमेंट्स रोड सब जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो मेनली कैसा है कंक्रीट होने के बाद जब भी कुछ उसका स्ट्रेंथ आने के बाद कुछ टाइम होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक दिन के बाद या 24 आवर्स के बाद ये पूरा स्लैब का एरिया एक छोटा सा ऐसा बन बना देते हैं, और ये बन जो रहता है जनरली सीमेंट और गिट्टी सीमेंट और सैंड या फिर ऐसा एक हाई मिक्स का एक बना देते हैं, मतलब 1:10 या 1:8 इस टाइप का एक ये बना देते हैं, तो ये जो बन रहता है ये अप्रोक्सीमेटली 2 इंच या 3 इंच वर्टिकल रहता है और अंदर साइड में स्लोप रहता है, ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाते हैं हम और पूरा ताकि इसमें पानी रुक सके, तो इस हिसाब से ये हम लोग एक बंड बनाते हैं और इसमें पानी पूरा भर के रखते हैं ताकि ये सरफेस हमेशा गीला रहे, और बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये बंड टूटा तो नहीं है, अगर टूटा है तो
उसको रेक्टिफाई करना है। तो इसलिए ये मेथड बहुत जगह यूज किया जाता है। बॉन्डिंग भी बोलते हैं उसको, पॉन्डिंग बोलते हैं, इसमें पानी कंटिन्यूस रखना है और ये बहुत ही इफिशियंट मेथड है और इसमें भी पानी बहुत ही ज़्यादा लगता है। इसलिए इसमें कैसा है, कोई आदमी अगर साइड पर चला तो ब्रेक होने का चांस है, तो उसमें पानी बाहर आने का चांस है, इसलिए तो उसको प्रॉपर ध्यान में रखना पड़ता है। और क्योरिंग का पीरियड खत्म होने के बाद में उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। तो ये मेनली देख सकते आप सीमेंट सैन का एक मतलब मोटर का ऐसा 3 इंच वगैरह ऐसा बंड बना करके हम लोग पॉन्डिंग कर सकते हैं। अभी है मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग मेनली कैसे आता है, मॉइस्ट क्यूरिंग भी बोल सकते हैं उसको। इसमें मेनली जो गीला कंक्रीट या फिर वेटेड कंक्रीट है उसको एक वाटरप्रूफ मटेरियल से कवर करते हैं। वो मेनली मतलब कंक्रीट के सरफेस में कांटेक्ट में रहता है 7 दिन के लिए। ये मेथड को हम लोग मेम्ब्रेन क्यूरिंग ऐसा बोल सकते हैं। इसमें मेनली कैसा है, इवेपोरेशन वाटर मतलब पानी का बाष्पीकरण, कंक्रीट से जो पानी निकलता है उसका बाष्पीकरण रोकने के लिए या फिर इवेपोरेशन रोकने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। ये मेथड मेम्ब्रेन जो भी रहता है वो इधर सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये मेनली सीलिंग कंपाउंड भी हो सकता है। ज़्यादातर बिटुमिनाइज्ड वाटरप्रूफ पेपर्स, वैक्स इमल्शंस, बिटुमिन इमल्शंस और प्लास्टिक फिल्म्स मेनली इसके लिए यूज करते हैं। और वेन योर ये जब भी बिटुमिनस के ही हम लोग अप्लाई करते हैं क्यूरिंग के लिए, ये 24 आवर्स के बाद 24 आवर्स क्यूरिंग इसके बाद मतलब मेनली गनी बैग्स का ये इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या ऐसा रहता है, मेनली ये इमीडिएट कॉन्क्रीट होने के बाद हम लोग ये यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग गनी बैग्स यूज करते हैं और इस सरफेस को मेनली ड्राई होने के लिए अलाउ करते हैं ताकि वो पानी जो भी है वो जो भी विजिबल नहीं है वो पूरा ये हो सके ड्राई आउट ना हो सके इसके लिए। और ये लिक्विड स्पॉट इसमें स्प्रेड किया रहता है, मॉइस्चर ऑफ कंक्रीट प्रिजर्व किया जाता है और ये थोड़ा सा क्यूरिंग के लिए इनफ रहता है। ये मेथड मेनली कांस्टेंट सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेनली एक एडवांटेज है जहाँ पानी कमतरता है या पानी अवेलेबल नहीं है और इसलिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये मेथड मेनली ज़्यादा इफिशेंट नहीं है कि बाकी मेथड के कंपेयर में, क्योंकि इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन का रेट लेस रहता है और मेनली कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो भी रहता है बाकी मेंबर से इस टाइप के क्यूरिंग के मेथड से कम होता है कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ कंक्रीट। तो जब भी अगर मेम्ब्रेन ये जो डैमेज रहता है तो उससे क्यूरिंग बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है, मतलब उसका क्यूरिंग का प्रॉपर पर्पज ही सक्सेस नहीं हो सकता। अभी है स्टीम क्यूरिंग। स्टीम क्यूरिंग मेनली स्टीम क्यूरिंग और हॉट वाटर क्यूरिंग है बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज किया जाता है। ये मेथड कहाँ आता है, जहाँ टेम्परेचर कंडीशन एकदम एडवर्स है उस समय ये यूज किया जाता है। मेनली स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट के लिए, कॉन्क्रीट के स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए यूज आता है। इसमें ये मेम्ब्रेन क्यूरिंग मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रीकास्ट कॉन्क्रीट वर्क है उसके लिए हम लोग यूज इस मेथड का यूज करते हैं। और इसमें कैसे टेम्परेचर ऑफ स्टीम रिस्ट्रिक्ट क्या रहता है 750 सेल्सियस के लिए। मेनली प्रॉपर ह्यूमिडिटी जिसका 90% ह्यूमिडिटी कमतरता जा रहती है और कंक्रीट को पूरा मेनली ड्राई होने के लिए भी इसका ये हो जाता यूज हो सकता है। और इसमें कैसा हॉट वाटर क्यूरिंग टेम्परेचर, हॉट वाटर क्यूरिंग अगर करना है तो टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग रेस कर सकते हैं। अभी इस टेम्परेचर में कंक्रीट का डेवलपमेंट 70% 28 दिन के स्ट्रेंथ में मतलब 70% तक स्ट्रेंथ आ सकता है, अप टू 28 डेज मतलब इवन 28 दिन का जो 70% स्ट्रेंथ आता है वो अपने को 4-5 घंटे में मिल सकता है।
इन बोथ केसेस, मतलब इन दोनों केस में टेम्परेचर में कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है नॉन यूनिफॉर्मिटी अवॉइड करने के लिए, और मेनली कॉन्क्रीट प्रिवेंटेड फ्रॉम रैपिड ड्राइंग, मतलब कॉन्क्रीट जो ज़्यादा तेजी से सूखता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, और कूलिंग कूलिंग की प्रिवेंट करने के लिए भी इस मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं। कूलिंग की वजह से भी ये क्रैक्स फॉर्म करता है, इस समय भी हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। ये मेथड बहुत रेयरली और स्पेशल कंडीशन में ही यूज करते हैं। अभी पेमेंट क्वालिटी कंप्लीट, अभी हम लोग दोस्तों जैसे आपने देखा ही होगा मैक्सिमम जगह रिजीड पेमेंट मतलब PQC या फिर पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट भी सब जगह भी चल रहा है काम, तो उसका काम करते समय उसका क्यूरिंग कैसे करते हैं। तो मेनली PQC क्या है, PQC मतलब कैसा है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। ये पेमेंट कंक्रीट कैसा है, लार्ज साइज के एग्रीगेट और ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ एज पर ISC स्पेसिफिकेशन, और मेनली DLC के ऊपर मतलब ड्राई लीन कंक्रीट के ऊपर किया रहता है। ये कंस्ट्रक्शन मेनली हाईवे के लिए एक्सप्रेसवे के लिए एज अ पेमेंट यूज करते हैं, या फिर एयरपोर्ट रनवे के लिए भी ये यूज करते हैं, यहाँ हेवी लोड ये ले सकते हैं। और इसका क्यूरिंग हम कैसे करते हैं, इसका क्यूरिंग करने के लिए हम लोग क्यूरिंग कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं। जो भी मतलब क्यूरिंग मतलब PQC ले होने के बाद कुछ समय बाद हम लोग इसके ऊपर ऐसा क्यूरिंग कंपाउंड स्प्रे करते हैं, एक मशीन रहता है उससे वो केमिकल या कंपाउंड रहता है उससे हम लोग उसको क्यूरिंग कंपाउंड स्प्रे करते हैं। उसके बाद हम लोग उसको टेक्सचरिंग भी करते हैं, और टेक्सचरिंग करने के बाद और ये टेक्सचरिंग करने के बाद ही इसका प्रोसेस खत्म होता है। और मेनली इसका एजेस जो रहता है PQC का साइड का एजेस, जैसे कि ए साइड हो गया वो साइड हो गया, वो साइड का भी ध्यान रखना है क्योंकि वो साइड क्रैक्स आने का कोलैप्स या फिर उधर कुछ डैमेज होने का चांसेस रहता है, तो वो साइड का भी प्रॉपर क्यूरिंग करना जरूरी है। ये मेनली क्यूरिंग कंपाउंड जो रहता है वो मेनली रेजिन बेस्ड एल्यूमिनेट रिफ्लेक्टिव क्यूरिंग कंपाउंड या फिर अदर किसी अलग अलग कंपनी का भी रहता है। मेनली इसका PQC का इनिशियल कट मतलब ये पूरा इनिशियल क्यूरिंग करने के बाद मतलब लेइंग होने के बाद हम लोग ये इनिशियल क्यूरिंग कंपाउंड से ये करते हैं, फिर टेक्सचरिंग करते हैं, और ये होने के बाद टोटल PQC हम लोग हेसियन क्लॉथ से 14 दिन के लिए ढक के रखते हैं। मतलब सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं, इसके बाद हेसियन क्लॉथ इसके ऊपर ढकना भी जरूरी है। अभी हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ क्यूरिंग। अभी यहाँ तीन मुख्य प्रकार के फंक्शंस है क्यूरिंग के। पहला है मेंटेनिंग मिक्सिंग वाटर इन कॉन्क्रीट ड्यूरिंग अर्ली हार्डनिंग, मतलब कॉन्क्रीट में जो पानी का मात्रा रहती है उसको मेंटेन करना जब हार्डनिंग प्रोसेस में, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज वेरी हाई सीमेंट का, तो उस समय उसको मेंटेन करना जरूरी है, इसीलिए हम लोग क्यूरिंग करते हैं। तो इसके लिए मेन पॉन्डिंग और इमर्जेंट के हिसाब से यूज करके वाटर का मेंटेन करते हैं। दूसरा है रिड्यूसिंग लॉस ऑफ मिक्सिंग वाटर, मतलब जो मिक्सिंग वाटर का जो लॉस होता है सर वाटर सरफेस में, उसके लिए हम लोग लॉस कम करने के लिए भी क्यूरिंग का यूज करते हैं। और तीसरा है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन जो ड्यूरिंग हीट और एन एडिशनल मॉइस्चर, मतलब ज़्यादा हीट और एडिशनल मॉइस्चर के वातावरण में भी स्ट्रेंथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ अपने को प्रॉपर आना चाहिए, उसके लिए भी हम लोग क्यूरिंग करते हैं। अभी हमने अगर क्यूरिंग नहीं किया तो क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब क्यूरिंग अगर करेक्टली हमने नहीं दिया तो कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी पे और स्ट्रेंथ पे और लॉन्जिटुडिनल पे इफेक्ट होता है, मतलब स्ट्रेंथ कमजोर होती है, ड्यूरेबिलिटी कम होती है, और मेनली वो स्ट्रक्चर के क्वालिटी पे भी अफेक्ट होता है। और अभी कॉन्क्रीट की नहीं प्योर प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग नहीं किया तो कॉन्क्रीट कैसा डस्टी सरफेस प्रोवाइड करता है, तो फिर वो स्मॉल क्रैक्स आते हैं, श्रिंकेज क्रैक आते हैं, अलग अलग टाइप के थोड़े इफेक्ट आते हैं, तो इसकी वजह से क्यूरिंग करना ज़रूरी है।
और ये क्रैक्स आना या फिर इन डस्टी सरफेस आना, ये क्यूरिंग ना करने का ही लक्षण बोल सकते हैं। इसलिए प्रॉपर क्यूरिंग करना जरूरी है। और जब क्योंकि कंक्रीट जब ये ड्राई होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, तो अगर हमने क्यूरिंग नहीं किया तो ये पूरे उसके बुरे इफेक्ट हो सकते हैं। मतलब ड्यूरेबिलिटी पर असर होता है, स्ट्रेंथ पे असर होता है, और उसके बाद क्रैक्स आने की संभावना है। इनडायरेक्टली कॉन्क्रीट कमजोर हो सकता है। अभी कैसा क्यूरिंग हम कितना दिन तक करना चाहिए ये हम देखेंगे। अभी मेनली कंक्रीट का अर्ली स्ट्रेंथ ये बहुत ही जरूरी है, और मेनली इस स्ट्रेंथ का ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर असर होता है। तो हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग करने की वजह से इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक अलग अलग स्ट्रक्चर मेंबर जो भी रहता है उसका हम लोग स्ट्रेंथ पा सकते हैं। तो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्यूरिंग का भी बहुत जरूरी इस्तेमाल होता है। और मेनली कैसा है, कंक्रीट मिनिमम एटलीस्ट 28 दिन के लिए क्यूरिंग करना जरूरी है। लेकिन आजकल कैसा लैक ऑफ टाइम, मतलब सबको फास्ट फास्ट चाहिए, तो टाइम उसको कम करने के लिए भी क्यूरिंग हम लोग अलग अलग डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक यूज करके 14 से 20 दिन तक क्यूरिंग करके वो स्ट्रेंथ अचीव कर सकते हैं। लेकिन मेनली एडवाइजेबल ये है कि कंक्रीट को कम से कम, ये देखिए कम से कम 14 दिन क्यूरिंग होना जरूरी है। अभी एज पर IS 456 2000 कंक्रीट शुड बी क्योर्ड लेस देन, मतलब 7-7 दिन से कम क्यूरिंग करना ही नहीं है, मतलब मिनिमम 7 दिन करना ही है। और मेनली इसमें क्या बोलते हैं IS, कंक्रीट शुड बी क्योर्ड लेस देन 7 डेज फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC हम लोग बोलते हैं। तो उसको हम लोग मिनिमम 7 दिन क्योरिंग करना ही है, और मिनिमम 10 डेज विथ मिनरल एडमिक्सचर, मतलब हम लोग जो भी एडमिक्सचर यूज करते हैं या फिर ब्लेंडेड सीमेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 10 दिन क्यूरिंग करना जरूरी है। और अगर हॉट वेदर कंडीशन है जहाँ हाई टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में क्यूरिंग मिनिमम 10 दिन करना ही है OPC के लिए, और 14 दिन क्यूरिंग करना ही है जहाँ ब्लेंडेड सीमेंट या मिनरल एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं। अभी क्यूरिंग ग्रीन टाइम और पीरियड कंक्रीट डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब कैसा रहता है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है। स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ, बाद में ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट की ग्रेड, उसके बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जो भी रहता है, वो कंडीशन साइट कंडीशन का या फिर वो लोकेशन का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसके बाद केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इन कॉन्क्रीट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि सीमेंट और वाटर केमिकल रिएक्शन वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब हीट बहुत ही ज़्यादा रिलीज हो सकता है। इसके लिए अपने को पानी की बहुत ही ज़रूरी पड़ती है कि हाइड्रेशन को प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ये तो इन समर जैसे कि गर्मी की सीजन में 50% ऑफ वाटर, 50% वाटर इवेपोरेट होता है या फिर बाष्पीकरण होता है। सो ज़्यादा पानी की मात्रा लगती है अपने को सनी डेज में, फिर गर्मी की सीजन में। और साइज एंड शेप ऑफ कंक्रीट मेंबर, कौन कौन सा कंक्रीट मेंबर, उसका साइज क्या है, शेप क्या है, वो भी अफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, और जरूर वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।